जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन व प्रधान को ठेंगा दिखाते हुए लेखपाल ने ग्राम पंचायत जमीन पर कब्जा करा रहे सभी को अवगत कराते चले कि वर्ष 2018 में इसी जमीन पर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए प्रस्ताव हुआ था, जहां पर ग्राम पंचायत सदस्य पूर्व प्रधान शिवपूजन इनका जो आज कब्जा करवा रहे। उप जिलाधिकारी दिनेश सिंह कहा बंद कराएं, मगर लेखपाल द्वारा झूठी रिपोर्ट देकर गुमराह किया जा रहा है। ग्राम पंचायत प्रधान ने जिलाधिकारी को शिकायत किया, जो उपजिलाधिकारी दी गई वही जांच करने के लिए लेखपाल को दिया गया था। प्रधान कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्र अब कहां पर बनवाए, यही नहीं बरसात का पानी कहां से निकलेगा, लोगों के घरों अंदर जाएगा। जिलाधिकारी व उपजिलाधिकारी मांग किया। रिपोर्ट राधेश्याम गुप्ता बांदा। क्या नाम प्रधान जी? रणजीत यादव। क्या मामला है जिस तरह आपके ग्राम पंचायत? मामला ये है कि ग्राम सभा की जमीन है, वहाँ बहुत पहले से नाले का पानी पूरे गांव को जाता था और आज एक जयकरण साहू नाम का व्यक्ति जो है अवैध कब्जा कर रहा है, वो भी लेखपाल की सह से। उसमें क्या पहले नियुक्त किया गया था? पहले उसमें क्या था कि आंगनबाड़ी प्रस्ताव पास हुआ था पूर्व प्रधान के द्वारा, उसमें लेखपाल भी था, पूरे सदस्य थे गांव के, सब ने प्रस्ताव किया कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाए, तो लेखपाल ने बोला हाँ यहाँ पर्याप्त जगह है, यहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जगह पर्याप्त, और अरविंद लेखपाल ने साइन भी किया। लेकिन आज वही लेखपाल जो है इस साहू से मिल के वहाँ उसको मकान बनाने के लिए बता दिया। कौन बता दिए थे? ये अरविंद लेखपाल यादव, अरविंद यादव लेखपाल। और आपने किसी उच्च अधिकारी, किसी को सक्षम अधिकारी को सूचना सब जगह सूचना दिया? मैंने डीएम साहब को भी बताया, एसडीएम साहब को भी बताया। एसडीएम साहब ने आज इन्हें भेजा था जांच के लिए, लेकिन वो गए, हमें किसी को भी बगैर सूचना दिए उनके घर पे गए और सब लोगों, उनके परिवार को, सब औरतों को बिठा के अपना साइन वाइन करा के लिख पढ़ के चला गया। वो सब व्यक्ति जो है उन्हीं के फेवर के थे, पारिवारिक व्यक्ति थे वो लोग, जयकरण साहू के परिवार के थे। आप क्या चाह रहे हैं जिस तरह? हम उसमें ये चाह रहे हैं कि गांव समाज की जमीन है, उसमें जो है आंगनबाड़ी केंद्र प्रस्ताव था, तो वहाँ प्रस्ताव होना चाहिए, बनना चाहिए।